ओके दीदी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो ये ना एक कमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में ये कमेंट है जिसमें बोला जा रहा है कि एक डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी में। तो क्या डिफरेंस होता है ये हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, उसमें एक क्वेश्चन सपोज इस तरीके से दे दिया, ये लाइन आपको दे दिया और बोला गया कि आप इसके ऊपर कमेंट करो, व्हाट आर योर व्यूज, ठीक है, वही हमारा है। तो इसको करते हैं, स्टार्ट करेंगे फिर। आप वो लाइन पे ना, हेलो रिद्धि, यस सर, मेरे को लगा आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हो इसीलिए। हाँ रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट करा है, रिकॉर्ड भी होते रहेगा साथ में, कोई इशू नहीं है। वह लाइक बात मैं कर रहा था ताकि आप सुन पाओ, मुझे नहीं पता कि आपको सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था, सो दैट जी, आई वाज बिल्कुल कंफर्मिंग सुनाई एक्चुअली। दे रहा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। यस सर, यस सर। ओके देन, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है इन जनरल अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का प्रमोशन करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव समथिंग एंड आई वॉन्ट टू सेल इट, तो सेल अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा सेल करने के लिए तो कोई खरीदेगा नहीं डेफिनेटली, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रमोशन में हम क्या करते हैं, प्रमोशन में हम उसके फीचर्स को बताने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट की यूएसपीज को बताने की कोशिश करते हैं, तो ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट होता है। पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट देखो समटाइम्स हम लोग ना, समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जानबूझ के करते हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट करानी है, करनी है, बट पब्लिसिटी समटाइम्स क्या होता है कि हम जानबूझ के नहीं करते, पब्लिसिटी लाइक हो जाती है, कुछ ऐसा हमने कुछ एक्टिविटी किया जिसके कारण से पब्लिसिटी हो गई, पब्लिसिटी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। तो पहला डिफरेंस तो यही समझ में आ जा रहा है कि दोनों का डेफिनेशन क्या है ना। एक हमारा हम इंटेंशनल करेंगे, दूसरा अनइंटेंशनल होगा, लाइक पब्लिसिटी जानबूझ के भी समटाइम्स करवाई जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाइक बिना वजह के, मतलब बिना सोचे समझे हो जाती है, मतलब और क्या। लेकिन एडवर्टीजमेंट हमेशा हम लोग सोच समझ करके पैसा खर्च करके करवाते हैं, राइट। तो ये होता है, तो ये छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस मैंने बताने की कोशिश की। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द इनडायरेक्ट वन वे कम्युनिकेशन यूज टू प्रमोट द प्रोडक्ट टू द मास ऑडियंसेस, ठीक है। तो जो मास ऑडियंस है, जो नंबर ऑफ पीपल्स है, अब एडवर्टीजमेंट किसी एक बंदे के लिए तो हो नहीं सकती, एडवर्टीजमेंट बहुत सारे लोगों के लिए होती है। टीवी में हम लोग सुबह से शाम तक कोई ना कोई एड देख ही रहे होते हैं, जब भी टीवी खोलेंगे जो कंटेंट हमें देखना है, न्यूज देखना है या मूवी देखनी है, उसके बीच में हमें एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, राइट। वो जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट और वन वे कम्युनिकेशन है, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट वहां बेचा जा रहा है वो डायरेक्टली हमें नहीं बेचा जा रहा, वो कंपनी पैसे दे रही है उस प्लेटफॉर्म को कि तुम हमारा एड चलाओ और फिर हम अगर इन्फ्लुएंस होंगे तो हम खरीद लेंगे, ये हो गया इनडायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली ये काम नहीं कर रही है, कंपनी डायरेक्टली हमें नहीं बेच रही है। दूसरा है वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो वन वे है, हमें बस पता चल रहा है, हम सुन रहे हैं, हम डायरेक्टली उसको बोल नहीं रहे कि तुम मुझे दो, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, खरीदने के लिए हम वापस से मार्केट ही जाते हैं या फिर तो ऑनलाइन सर्च करते हैं, राइट। तो एडवर्टीजमेंट जो होता है वो एक वन वे कम्युनिकेशन होता है और इनडायरेक्ट होता है। इट इज अ नॉन पर्सनल मोड एंड हैज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, स्पॉन्सर की बात की जा रही है, कोई स्पॉन्सर करेगा तो ही उसके ऊपर एड चलेगा, कोई पैसे देगा तो ही एड चलेगा, एड ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो ये नॉन पर्सनल होता है और स्पॉन्सर्ड होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लोगों को इसके बारे में बताना, उनको याद करवाना कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, इट इज वेरी यूजफुल, यू कैन हैव इट, इस तरीके से चीजें की जाती है। इट कैन बी डन थ्रू न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा, ये हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी एज एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म, वेयर एज पब्लिसिटी इज अनपेड। तो एक देखो, एक और डिफरेंस निकल के आ गया कि एडवर्टीजमेंट जो होती है वो पेड होती है, जैसा कि मैंने बोला कि प्लानिंग करके हम करते हैं, तो जब प्लानिंग करके करेंगे, टीवी पे एड चलवाएंगे या किसी भी जगह पे एड चलवाएंगे, तो उसके लिए हमें खर्च करना पड़ेगा पड़ेगा, दैट विल बी अ पेड वन, ठीक है। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज नॉट अ पेड ड्रिल, यहाँ पे लाइक चीजें हो जाती हैं, ठीक है। आप कुछ करने गए तो स्पॉन्सर हो गया, आप सपोज ऐसे ही कैजुअली आप डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हैं, डोमिनोज ने आपको पैसे नहीं दिए एडवर्टीजमेंट के लिए, बट जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो देखेंगे, अच्छा भाई ये तो सर तो डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं, हम लोग भी खाएंगे, लाइक सर नहीं मतलब कोई फिल्म स्टार हो गया, कोई सेलिब्रिटी हो गया, तो हम लोग फॉलो करते हैं समटाइम्स, थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो पब्लिसिटी जो होती है समटाइम्स वो अनपेड होती है, उसके लिए पेड नहीं किया जाता, ठीक है। बट हाँ, जब जानबूझ कर पब्लिसिटी करवाई जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी या कुछ टीवी में ये सारा वर्ड्स आपने सुना होगा, तो उस टाइम्स इनसाइडर एक तरह का लेन देन होता है, बट वैसा बहुत कम ही होता है ऐसा।
बहुत कम होता है ठीक है. ओके इट डज नॉट हैव एनी स्पॉन्सर, तो इसमें स्पॉन्सर नहीं होगा. And the company has no control over the message as the message is broadcasted by the media. अब इसका एक मैं बहुत ही तगड़ा सा एग्जाम्पल अगर बताऊं तो कोको कोला को लेकर के एक अभी आया था रिसेंटली, जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही ग्रेट फुटबॉलर है. तो उसने क्या किया, कोको कोला का बॉटल जो है उसके सामने उसके डेस्क पे रखा हुआ था ठीक है, उसने क्या किया कोको कोला के बॉटल को वहां से हटा करके पानी का बॉटल वहां पे रख दिया. तो ये क्या हो गया, ये पब्लिसिटी हो गया. पब्लिसिटी किस तरीके से हो गया कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी हो गया कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी सोच रहा था कि इस बंदे के सामने मैं अपना प्रोडक्ट रखूंगा तो लोग खरीदेंगे, इससे ये लगेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोको कोला पीता है. बट कोको कोला इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एवरीबडी नोज इट, एंड वहां पे बहुत सारे एडेड शुगर्स वगैरह होते हैं जिसके कारण से वो हेल्थ के लिए सही नहीं है. तो क्रिस्टियानो ने क्या किया, उसको वहां से हटा करके पानी का जो बॉटल होता है उसको सामने रख लिया. सेम डे जो उस कंपनी का स्टॉक है आई थिंक 3 या 4% डाउन हो गया था, मतलब तकरीबन एक दिन में ना उनको 14-15 हजार करोड़ का जो है उनका स्टॉक जो है बिक गया. तो इतना पावरफुल हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. खैर तो ये पब्लिसिटी हो जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है, इसके लिए पैसे नहीं दिए जाते, बस हो जाता है. अब सपोज समटाइम्स उसने पानी को प्रमोट करा, अब पानी के पानी का जो बॉटल है उसके ऊपर कोई अगर नाम होता बिस्लेरी टाइप, या विराट कोहली जो पीता है जो 700 रुपीज लीटर जो आता है फ्रांस से, उसका कुछ नाम वगैरह होता तो डेफिनेटली लोग इन्फ्लुएंस होते उसको खरीदते है ना. तो ये की जाती है चीजें. पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि मैं बता रहा हूँ पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है. क्रेडिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन बी मॉडरेट टू लो बट पब्लिसिटी इज हाई. जो क्रेडिबिलिटी होती है एडवर्टाइजिंग की वो मॉडरेट टू लो होती है, मॉडरेट होगी या लो होगी, लेकिन पब्लिसिटी एक्चुअली उसी की होती है जो फेमस होता है ठीक है ना. मैं कुछ अगर पब्लिसिटी करना चाहूँ तो लोग मुझे बहुत कम देखेंगे, बट कोई सेलिब्रिटी अगर पब्लिसिटी लाइक हो जाए उससे, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि वो पैसे लेकर के करें, फ्री में हो जाती है, तो उससे ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. तो पब्लिसिटी का जो एक तरीके से क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है इन कंपेरिजन टू एडवर्टाइजमेंट ठीक है ना, उसमें मॉडरेट टू लो होता है. अब यहाँ पे डिफरेंस अगर हम पॉइंट वाइज समझना चाहें तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है एडवर्टाइजिंग का, ये एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा करवाई जाती है ठीक है. अगर कोको कोला का एड चल रहा है तो कोको कोला उस कंपनी को उस टीवी वाले चैनल को वो जो है पैसे देगा, तो वो चैनल जो है 10 मिनट का या 5 मिनट का जो है पूरे घंटे भर में एक तरीके से रन टाइम में अपना जो है उसको शो करेगा राइट. पब्लिसिटी की बात करें इट डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो इसका लिखोगे आप उसका ठीक उसका उल्टा जो है दूसरे साइड में आपने लिखना है. दूसरा है क्रेडिबिलिटी कैन बी लो टू मॉडरेट, ये बात भी मैंने बताई, और यहाँ पे पब्लिसिटी हाई क्रेडिबिलिटी होती है. एडवर्टीजमेंट पेड होता है और पब्लिसिटी अनपेड होती है ठीक है. चौथा पॉइंट, मैसेज इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, कंपनी को लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना है अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है राइट. लेकिन पब्लिसिटी में चीजें डिसाइडेड नहीं होती हैं, समटाइम्स लोग उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं समटाइम्स नेगेटिव वे में लेते हैं. तो मैसेज इज डिसाइडेड बाय द मीडिया, अब देखो यहाँ पे मैसेज इज डिसाइडेड बाय द मीडिया. पब्लिसिटी में जिस तरीके से मीडिया किसी न्यूज को रिप्रेजेंट करेगी हमारे सामने, हम उसको उसी तरीके से लेने की कोशिश करेंगे. जैसे सुशांत सिंह वाला जो केस हुआ था पूरा का पूरा, आपका क्या नाम था, रिया चक्रवर्ती राइट. तो रिया चक्रवर्ती उसको कंप्लीटली मतलब एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि नहीं इसी की वजह से उसने जो है सुसाइड करा, बट ये प्रूफ नहीं हो पाया. बट मीडिया का जो ट्रायल चला पूरा का पूरा, मीडिया ट्रायल लाइक नया वर्ड है, अभी क्रिमिनल ट्रायल चलता था, कोर्ट्स में ट्रायल होते थे, अभी मीडिया ट्रायल होता है. मीडिया किसी भी चीज को न्यूज को पकड़ के उसको पब्लिसिटी करके मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव करके किसी भी चीज को ऊपर चढ़ा सकती है, फिर एक ही सेकंड में नीचे गिरा भी सकती है. तो रिया के साथ कुछ वैसा ही हुआ, ऑल दो ही वॉज नॉट बीन यू नो कन्विक्टेड और यू नो उसके ऊपर सिर्फ एलिगेशन ही लगे, कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया, बट उसका मतलब एक तरीके से बेइज्जती हो गई, पूरे के पूरे साल भर उसी तरह के न्यूज जो है चलते रहा उसके ऊपर. तो ये जो पब्लिसिटी होती है ना ये मीडिया डिसाइड करता है हमारा, लेकिन एडवर्टीजमेंट कंपनी डिसाइड करती है. पांचवा नंबर पॉइंट की बात करें तो मैसेज इज अंडर द कंपनीज कंट्रोल ठीक है. जो मैसेज आपने भेजना है जो पहुंचाना है वो एडवर्टीजिंग के केस में कंपनी के कंट्रोल में होता है, बट पब्लिसिटी में ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा, कंपनी के कंट्रोल में नहीं होगा. जैसे कि कोको कोला, कोको कोला चाहता था प्रमोट करवाना बट कुछ और हो गया राइट, प्रमोट हो गया, तो यहाँ पे कंपनी का कंट्रोल नहीं होता पब्लिसिटी में. छठा पॉइंट है एडवर्टाइजिंग इज पॉजिटिव. एडवर्टीजमेंट में जब पैसे दिए जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे पॉजिटिव ही होगा राइट. बट पब्लिसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, समटाइम्स किसी चीज को बढ़ावा मिल जाता है और समटाइम्स किसी चीज की नेगेटिविटी भी
लोगों के सामने आ जाती है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा. और अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे रिद्धि. ठीक है, इस वाले वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ. अगले वाले वीडियो में मैं फिर बात करूंगा आपसे. ठीक है, एक मिनट.